प्रस्तुत है कहानी मिट्ठू। लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है। उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसा हाल सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर लड़कों से भी दोस्ती कर सकता है। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके सिवा एक बंदर मिट्ठू भी था। लड़कों के झुंड रोज़ इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं लड़कों में गोपाल भी था। वह रोज़ आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम ना था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना हिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ ना खाता। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहाँ से दूसरे शहर में जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, मुफ्त में उलाहने सुनने पड़ेंगे। लेकिन लड़के पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल कर दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के फूल उठा। उसने अठन्नी को मिट्टी से मलकर खूब चमकाया, फिर मिट्ठू को खरीदने चला। लेकिन मिट्ठू वहाँ दिखाई ना दिया। गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे। मालिक रोज उसे मिट्ठू से खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर ना थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि वह चीते के कटघरे के पास आ गया। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। करीब था कि चीता उसका हाथ पकड़कर खींच ले कि मिट्ठू ना मालूम कहाँ से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसा घायल कर दिया कि वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की और प्यार की भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं तो अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत रंजीदा था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से देख रहा था कि मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो उसका क्या करोगे। गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खिलाऊंगा, और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई राज मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। ये थी आज की छोटी सी कहानी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।